अच्छा चांद भाई, अब कैसी तबीयत है? बेहतर है यार, जो वहाँ पे जब थे ना मेरी अजीब सी हालत हो गई थी। दूसरा वो जो आके लगी है ना दरख्त की शाख से सर में, वो काफ़ी दिखने में सीधा सर के ऊपर आके लगी। हाँ, वो सेंटर में लगी तो एकदम ना घूम गया सर, समझ नहीं हुआ क्या। मुझे लगा कि शायद वो जो दरख्त की आवाज़ आ रही थी ना टूटने की, वही पता नहीं सर पे आके लगा है यार, उसी दरख्त की जो है वो शाखे। हाँ, लेकिन मुझे लगा पूरा जिस तरह वो दिख रही थी पीछे से, मैंने कहा पूरे दरख्त ही आया शायद नीचे। जैसे जैसे रात जो है वो हो रही है, वैसे वैसे भी महसूस हो रहा है, धुंध वगैरह भी जो है वो बढ़ती जा रही है। और चांद भाई, आपने एक चीज़ और नोट की है कि जब हम थे स्टोर के पास, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, इस वजह से जो है किसी एक चीज़ के ऊपर जो है वो फोकस नहीं हुआ हमारा, कि ब्लड वही पाइप हिला ऊपर, वो ना ट्यूबवेल के अंदर है यार कुछ चीज़, ये प्रॉपर नहीं समझ आ रही कि उसके अंदर है या बाहर है, क्योंकि हमने तो चांद भाई इसी ट्यूबवेल के यहाँ पे पास में उस चीज़ को देखा है दो बार, दो से तीन बार रिकॉर्ड हुई है। चांद भाई, मैंने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया है ना, मुझे तो यही लगता है कि वो इस कुएं के अंदर रहती है मखलूक, जो अभी उस जादूगर ने यहाँ पर छोड़ी हुई है ना। ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे उस पाइप के ऊपर ना वो खेल रही हो, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है। और मैं बात कर रहा था कि तावीज़ बांधा हुआ था, और आपने बोला ना कि वो दरवाज़े के ऊपर जो है ब्लड लगा हुआ है, बकायदा उस तावीज़ के नीचे भी ब्लड लगा हुआ था, वो भी वो था, ड्रॉप सा नज़र आ रहा था उसके ऊपर। हाँ, और ऐसे लग रहा है जैसे उस रूम के अंदर उस जादूगर ने हो सकता है कि कुछ चीज़ें छुपाई हों। ओए 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 ओए, क्या वो कूलर है, क्या चीज़ है वहाँ पर, कुछ था वो बैग पड़ा है आपका? नहीं नहीं, उसके ऊपर से कुछ वाइट था, ब्लैक तो बैग है ना, वो हल्का वो नजर आ रहा है किस जगह पर यार, वो जो क्या है वो वाटर कूलर पड़ा हुआ उसके बिल्कुल पास, उसी तरह की मुझे चीज नजर आई है। आगे चलें, एक मिनट आना जरा। ये है इधर भी आई है उसके पीछे। अल्लाह अकबर, ये ना यार एक बार जो मखलूक है, हाइट उसकी जो है ना, ये अभी जो नज़र आ रही इसकी बात कर रहा हूँ, इतनी सी हाइट है इसकी, बहुत छोटी हाइट है। जो पहले हमें शुरू से नजर यार, और जो हमें शुरू में नज़र आई है उसकी जो है ये इतनी हाइट थी, और ऐसे लग रहा था जैसे इतना उसका धड़ है और बाकी ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, नीचे वाला है, और इंसान नुमा भागती हुई, बिल्कुल टांगे, हर चीज़ उसकी इंसान जैसी लग रही थी, भागती हुई भी नज़र आई है और चलती हुई भी हमें जो है वाज़ह रिकॉर्ड हुई है, और काफ़ी जो है वो देख। ध्यान से चांद भाई, ये की भी आवाज आई है, और इधर कुएं की तरफ जो है ना बार बार जो है वो मजबूरन जाना भी पड़ता है। और लेकिन सब भाई, जो मैंने इसमें से तो आवाज़ें आ रही थी ना, हाँ जी, चीज़ को मैंने उधर देखा है, ये बिल्कुल इस कूलर के ना पास से, यहाँ से इसके ना इधर से, अब ये नहीं पता मुझे यहाँ से आ रही थी वो चीज़ या इसके बिल्कुल पास से ना। बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि आप जो है आगे जाकर दिखाया करें, दिखाने का मकसद पता क्या है कि ये जो जिन्नात होते हैं, आपको भी इतनी देर जो है वो हो चुकी होगी, इतना टाइम
ऐसे हॉरर जो है शो देखते हुए, और हमें भी काफ़ी टाइम हो चुका है। ये जो जिन्नात होते हैं, ऐसे जो भी मखलूकात होती हैं, अपने आप को वाज़ेह करती है हल्के से अंधेरे में। जब हम इसके पास इसी के पास, मैं आपको बता रहा हूँ सुबह, यहाँ पर ही वो चीज़ नज़र आई है उसका, जैसे सर हो क्या चीज़ मुझे नहीं पता, कुछ वाइट सा ना, कोई बात कर रहा था। जैसे ही हम उसके पास जाते हैं, होती वो चीज़ वही है, सिर्फ अपना जो है वो वजूद जो है वो वाज़ेह नहीं करती, गायब हो जाती है। है अभी भी इसी एरिया के अंदर, जैसे कि मैं अभी कूलर की तरफ कह रहा हूँ कि ताकि अगर वो फिर से हो ना, नज़र आए पूरा ये पर भी यार, ये तो ऊपर वो किसी एक जगह पर है ही नहीं, वो बार बार ना अपनी जैसे जगह चेंज करी हुई, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं वो। जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा होता है तो वो अपने आप को वाज़े कर लेती है। अच्छा, ज़्यादातर ना अभी हमने जो है वो डोर ओपन नहीं किया, आपको बता दूं कि ज़्यादातर ज़्यादातर जो है ना एक्टिविटीज़ जो है वो वहाँ पर हुई है कुएँ के पास, और यहाँ इतनी हुई नहीं है। ये एक मिनट चुप अंदर है, कुछ मैं देख रहा हूँ तवीज़ पे ना, ब्लड के पता नहीं रेड है या ब्लड है कुछ है। और ये देखिएगा कि यहाँ पर जो है वो ब्लड सूख चुका है, और यहाँ पर आपको जो है वो ताज़ा नज़र आ रहा है पूरा ना, ऐसे अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह, इसके अंदर है कुछ यार सभी, अल्लाहु अकबर। यहाँ पर जो है वो ब्लड लगा हुआ है, ये बात बकायदा जो है नज़र आ रहा है। ये क्या हुआ है, कुछ स्पीड से कोई चीज़ गुजरी है, क्या गिरा है, कुछ हुआ है। अच्छा, वो यहाँ पर बकायदा वो यूज़ कर सकता था लॉक का भी, उसने यूज़ किया इसका, ये जो कपड़ा बांधा हुआ है। अब ये देखने में अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहु अकबर, वही मैं आपको बता रहा था कि अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या है, कहाँ से आई है ये ईंट, इधर से वो तो देखे अंदर जाकर, वो दरवाजा ही उस जगह पे अटक गया, जैसे स्टील हो गया जैसे बंदा ना। अच्छा, आपको एक हैरानगी की बात बताऊं कि कपड़ा ये है और वो लोग वो सामने पड़े, वो पर लॉक पड़े, कपड़ा यहाँ पर बांधा हुआ है और लॉक जो है वहाँ पर रखा हुआ है। अब ये क्यों किया हुआ है, इसलिए किया हुआ है कि ये जो लगा हुआ है ना लॉक, इसको तो कोई बंदा भी खोल सकता है, आसानी से अंदर जा सकता है, पर ये जो इन्होंने बांध दिया ना यहाँ पर, सभी बच गए यार, मेरे भी ना कॉर्नर लगा था नीचे, मुझे लग रहा आपके भी वैसे यार ज्यादा लगी है इधर भी। अच्छा क्या यार, ये ड्रम देखें आकर जो है वो अच्छा खासा लगता है, और आकर जो है वो खड़ा हो जाता है,
हम हैरान तो हुए थे कि यार ये उसके ऊपर कैसे जा सकता है, पर हमें ये नहीं हमने ये नहीं सोचा कि वो चीज़ उस चीज़ ने रखा ही इसलिए ऊपर है कि दोबारा जो है हमारे ऊपर अटैक कर सके। अगर नोट किया जाए ना तो जैसे ही आप इस दरवाजे के करीब जा रहे हो ना वो चीज़ वहाँ वाली बात है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई ईंटों की दीवार गिर गई हो ऊपर पूछी पूरी। अच्छा, चीज़ का इतना वज़न ना भी हो ना तो जो मखलूक उस चीज़ को फेंकती है ना उसका एक अलग से ही बंदे पे ना वो यानी कि ज़्यादा वो उसका क्या कहते हैं यार वज़न महसूस होता है, चोट लगती है। मैं बात कर रहा था कि इसका बांधने का जो मेन मकसद होता है ना वो ये है कि इन लोग से ज़्यादा जो वो सामने पड़े हैं उनसे ज़्यादा जो है ना इनके अंदर ताकत है क्योंकि इनके ऊपर पढ़ाई हुई हुई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ओए होए, हर ये किस्मत अच्छी सी किस्मत अच्छी थी बच गया। इस साइड को कर ले, मैं तो कह रहा हूँ भी सूख चुका है ठंड से। देखो यार खासे जो है ये इनकी ये जो ये है ना जी ये जो कॉर्नर जो बना हुआ है ना ये बड़ी जोर से लगता है कॉलर जो है ये आपको लगता है बहुत ही जो है वो ये क्या हुआ नहीं आप आगे को कर रहे हो ये वापस गया है यार जैसे आप आगे कर रहे हो ये उस साइड को जा रहा है यार ये वापस वो देखो ध्यान से यार ये भी एक पड़ा है इनके अंदर पता नहीं कुछ है या खाली है कमी नहीं पता। इधर से भी आ रही है ना हैं इधर से भी आवाज़ आ रही है आवाज़ तो आ रही है अब इसको जो है हमने ओपन भी करना है और अंदर भी जाना है। अंदर जाने से पहले क्या हुआ मुझे यार फिर से इस चीज़ का डर हुआ है कि सर पे आग ना लगे। यार जैसे ना वो दरख्त के किसी शाख के ऊपर बैठ के ऐसे नीचे को वो क्या अल्लाह अकबर यार वो ट्यूबवेल के पीछे है वही मखलूक। ये ट्यूबवेल के पीछे आ गई है रिकॉर्ड हुआ है रिकॉर्ड हुई है ध्यान गया मेरा उधर ही उधर से दिखाना जल्दी जाना थोड़ी सा थोड़ा सा बस ज़्यादा जल्दी नहीं करनी आराम से जाकर तो बिल्कुल वाजिया यहाँ पर इधर बैठी हुई नंबर आई है यहाँ पे वहाँ बैक साइड पर नहीं यार इधर नहीं है कुछ भी यार यहाँ पर जान भाई यहाँ पर इधर यहाँ पर बैठी हुई यार उधर से दिखाया मैंने अकबर यार मैं ये अल्लाह अकबर मैंने बोला है ना आपको कि चीज है यहाँ पर इस कुएं के अंदर यार ये ना अंदर से असल में हिला रही है चीज़ ऊपर कुछ नहीं नज़र आ रहा
तो इसी को दिखा रहा हूँ चांद भाई, दो से तीन दफ़ा जो है ना तब हमें नज़र आई है, और यहाँ पर जो मैं खड़ा था तब तो बिल्कुल वाजिया वो चीज़ जो है नज़र आई है, और बकायदा जो है उसके बाल लटके हुए और ऐसे जैसे हमारी तरफ देख रही हो। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। उसके करीब नहीं जाओ मैं तो। अल्लाहु अकबर, बाजू खींचा हुआ था यार उधर। यार अस्तगफिरुल्लाह, शाकिर यार ये कैसे बचा हूँ। यहां से जैसे गर्दन से कोई चीज पकड़ती है ना, ऐसे पकड़कर आगे किया है उस चीज ने, और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वो सामने पाइप लगा हुआ था, अगर पाइप ना होता पाइप को मेरा हाथ डल गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह शुक्र है यार बच गए हो। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। दरख्त पे ना अभी भी मूवमेंट हो रही है। अल्लाह वीडियो भी बंद हो गई थी, दोबारा चला दें इसको। चला दिए। अल्लाह ये देखे, ये जान भाई जान बूझ कर वो चीज़ बुलाती है। नहीं जाना यार, बुलाती है जाने का नहीं। एक चीज़ तो है कि हमें यहाँ पर एक्टिविटी हो हम वहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई इसके लिए हम आदत कर रहे हैं। लगता जैसे कल सी बात है, कुछ लोगों के लिए तो मजाक लगता है, ऐसे फन देखते हैं। यकीन माने कि ये देखें, मैं डर रहा हूँ। वो सामने आप देखें, ये आपको एक गोल सर्कल सा नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर ख़त्म हो गया। वो कैसे ख़त्म हुआ है? ऐसे ही टूट टूट कर ईंटें जो है वो गिरती रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। अभी जैसे उस चीज़ ने मेरा सारा जो वज़न था ना चांद भाई, थोड़ा सा पीछे होकर बताता हूँ कि इस पाइप के ऊपर आ गया है मेरा सारा वज़न। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। देखें अभी भी अंदर है वो, सारा मेरा वज़न पाइप के अंदर आ गया है, और ये जो मेरे हैं ये वाले घुटने उनकी जो है वो ना यहाँ पर मुझे सपोर्ट मिल गई। ये सबसे ज़्यादा जो आपका है जो हाफ है ना बचत हुई है, जो है वो अंदर था, वो बता रहा हूँ क्या वो खींच कर अंदर लेकर जा रही। ऐसे मैं खड़ा हूँ, ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ से किस चीज़ ने पकड़ा मैं सीधा अगर गिरा हूँ, ये मेरा हाथ ऊपर, ये सीधा नीचे गया, और ये मेरे घुटने जो है यहाँ पर। पहले मुझे लगा कि शायद आपका बाजू खींचा हुआ है, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं ना कि आपका सर खींचा हुआ था। बाकायदा यार अंदर से ऐसे लग रहा था जैसे अंदर कोई चीज़ मुझे खींच कर ले जाएगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसके थोड़ा यार पीछे हो जाए सब इसे। अच्छा तो वही है, वही मैं कह रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। यार ये क्या है? ड्रम जा रहा है, इसमें बहुत दफा मूवमेंट हुई है। ड्रम के अंदर कोई चीज़ तो नहीं है, आकर लगते भी बहुत ज़्यादा हैं जैसे लोहे के हों। यकीन मानिए कि अभी भी दर्द हो रहा है यहाँ पर बैक साइड पर ना, हेडी के ऊपर अगर लगता है। आपके भी यहीं लगा था यहाँ पर ही? बिल्कुल ना,
अच्छा लगता भी सेम जगह पर है, जैसे वो चीज़ हिट ही ऐसे करती कि ये इनका पाँव जो है वो ज़ख्मी हो जाए और ये बैठ जाए या वापस चले जाए। और दूसरा भी अच्छा ये काफ़ी हैरान कन जो है वो हमारे साथ हुआ है वाकया कि ड्रम नीचे गिरा है और थोड़ी देर बाद उसके ऊपर आकर फिर खड़ा हो गया। हालांकि वज़न ही अच्छा खासा, जिन दोस्तों को पता होगा जिन्होंने उठाया होगा उनको पता होगा अच्छा खासा वज़न ही होता है और अच्छी खासी इसकी आवाज़ होती है उठाने की।